जलालाबाद की घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के निकाय चुनाव को लेकर हुआ था अकाली दल और कांग्रेस में घमासान, मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। फजिलका जिले में नगर काउंसिल चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा, सुखबीर बादल की गाड़ी पर जमकर हुआ पथराव। जोरदार हंगामे के बीच घिरे थे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम, सुरक्षा घेरे में सुखबीर बादल को निकाला गया था बाहर। हमले के बाद अकाली दल ने कांग्रेस सरकार को घेरा, सुखबीर बादल बोले योजनाबद्ध तरीके से हमले को दिया गया अंजाम। जलालाबाद की घटना को लेकर बढ़ा गुस्सा, बरनाला में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। अकाली नेताओं ने कहा कांग्रेस पार्टी नगर निगम में होने वाली हार की बौखलाहट में कर रही है हमले। बिहार में नीतीश सरकार का नया फरमान, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। पुलिस डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से जारी किया गया था बयान, विरोध प्रदर्शन करने वालों का आचरण पत्र खराब कर देगी पुलिस। नीतीश सरकार के नए फैसले पर आरजेडी नेता शक्ति यादव की प्रतिक्रिया, तुगलकी फरमान जारी कर रही है बिहार सरकार। पीसीटी टेक्नोलॉजी के जरिए 26 जनवरी हिंसा में शामिल 12 चेहरों की पहचान, क्राइम ब्रांच कर रही है तलाश। हरियाणा के जिन लोगों के किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत, राकेश टिकैत करेंगे शिरकत। गांव कंडोला और खटकर टोल प्लाजा दो जगह रखा गया है कार्यक्रम, किसान आंदोलन को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, जींद पंचायत को लेकर बढ़ी हलचल। मंडी हाउस में किसानों के समर्थन में निकलेगा सिटीजन मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सीएम केजरीवाल से मिले, दिल्ली की जेलों में बंद आंदोलनकारियों के लिए मांगी मानवीय सुविधाएं। 6 फरवरी को किसानों ने किया है चक्का जाम का ऐलान, 3 घंटे तक रोकेंगे हाईवे। लोकसभा में केंद्र सरकार ने किया साफ, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को नहीं दिया जाएगा मुआवजा। दिल्ली की बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा पर राजस्थान के सीएम गहलोत को एतराज, बोले यह लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। पंजाब के बठिंडा में पंचायत ने घर घर जाकर छेड़ी मुहिम, हर घर से एक आंदोलनकारी को दिल्ली भेजने का प्लान। झारखंड के मंत्री ने गाजीपुर बॉर्डर पर की राकेश टिकैत से मुलाकात, किया समर्थन का ऐलान। लोकसभा में सरकार ने दिलाया भरोसा, कृषि मंत्री बोले संसद के भीतर और बाहर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। किसान संयुक्त मोर्चा का एक घड़ा चाहता है केसी त्यागी बने किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ। सरकार के किसानों की दो टूक, कहा जब तक अवैध रूप से हिरासत में ले गए लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक नहीं होगी बातचीत। मोदी नगर के गांव में किसान आंदोलन के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है। 3 बॉर्डर पर कटीले तार और नुकीली बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दी सफाई, कहा सुरक्षा घेरा मजबूत करना है मकसद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने कहा बार बार बैरिकेडिंग तोड़ने की वजह से किए गए हैं बदलाव। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के नुकीले रॉड, सीमेंट से सड़क पर जाम की गई कीलें। सिंघू बॉर्डर पर उपद्रवियों का रास्ता रोके जाने पर जोरदार तैयारी, 2 किलोमीटर तक क्रेन से सड़क पर रखे जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कटीले तारों के साथ कांटेदार बाड़ों से रोका जाएगा उपद्रवियों का रास्ता। दिल्ली के सिंघू और टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट ठप, सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की कोशिश रोकने की कवायद। उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कसी कमर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा आज शाम तक बंद। सिंघू बॉर्डर पर नजर आए निहंग, पुलिस के सुरक्षा घेरे को बनाया ठिकाना। चीन में किसानों के संगरूर से दिल्ली आने वाले हाईवे पर लगाया गया जाम, इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर है नाराजगी। किसानों के समर्थन में उतरी मलिक खाप गुहाना में ट्रैक्टर्स के साथ सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना। मोगा से सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ महिलाओं का जत्था, किसानों के आंदोलन में देंगी साथ। दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के लिए कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव, जमकर की संयम की तारीफ। सहारनपुर में वकीलों ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, कानूनी सहायता का किया वादा। किसान आंदोलन को लेकर सोनीपत के गांव में जारी है पंचायत का दौर, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने का लिया गया फैसला। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला बैलगाड़ी मार्च, कृषि कानून के विरोध में हल्ला बोल। दिल्ली पुलिस के रडार पर किसान नेता, वीडियो में किसान नेता कह रहे हैं पुलिस वालों को बंधक बनाकर सरकार से बात करेंगे। वीडियो एनालिटिक्स और फोरेंसिक टीम की मदद से
पहुंचाना, एक किसान नेता पर कसेगा शिकंजा। किसान आंदोलन से टोल कलेक्शन पर 600 करोड़ का नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय सिंगर रेहाना के किसान आंदोलन पर ट्वीट, लिखा इस पर क्यों नहीं हो रही है बात। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का भी ट्वीट, लिखा मेरा किसान आंदोलन को समर्थन। जुटे अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं रक्तदान। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 5 परिवर्तन रथ यात्राओं का ऐलान। राज्य की चुनाव कोर कमेटी की बैठक, परिवर्तन रथ यात्राओं का ऐलान। हल्दिया में पीएम की 7 को रैली, पार्टी का करेंगे प्रचार। परिवर्तन रथ यात्रा में शिरकत करेंगे अमित शाह, एक हिस्से को 11 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। परिवर्तन यात्राओं में जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 और 9 फरवरी को करेंगे दौरा। परिवर्तन रथ यात्राओं पर सरकार के अड़ंगे को लेकर बीजेपी तैयार, कहा ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी तो कोर्ट जाएंगे। दक्षिण 24 परगना में मुकुल रॉय शुभेंदु अधिकारी के काफिले का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। ममता पर बीजेपी के हमले तेज, गिरिराज सिंह ने जिन्ना से की ममता की तुलना। ममता का साथ छोड़ चुके मुकुल रॉय और राजीव बैनर्जी का ममता परिवार, बोले चुनाव के ऐलान के बाद कोई नहीं बचेगा टीएमसी में। यूपी के बलिया में नकल माफिया की दबंग गई दलित लिपिक की पिटाई, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के बनियारा थाने में मालखाने में आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजस्थान में पाली में शराब की भट्टियों पर छापा, 1500 लीटर शराब जब्त। चेन्नई में 500 ग्राम सोना जब्त, दुबई और सिंगापुर से आ रहे थे 2 यात्री, सोना लेकर हुए गिरफ्तार। शिवपुरी में आईटीआई परिसर में एक शख्स का मिला शव, पुलिस कर रही है जांच। मुजफ्फरनगर में पुलिस मालखाने में आग, कई दस्तावेज खाक। बड़ौत में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। बदमाश जावेद पर थे 19 केस, दिल्ली पुलिस की सिपाही के कत्ल का भी आरोप। सीहोर में मासूम बेटी का कत्ल करने वाला पिता निकला कातिल, 10 साल के बाद हुई गिरफ्तारी। पुणे में शर्जिल उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। देवरिया में बहन की हत्या में 2 भाई गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में ली जाए। पुणे में जिस्म फरोशी में नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार, एक इमारत पर छापेमारी के बाद कार्रवाई। यमुनानगर में 8 लोगों के कत्ल का आरोपी गिरफ्तार, पेरोल पर रिहा होने के बाद ढाबा के बाबा के भेष में छुपा हुआ था। असम के न्यू बोगाईगांव में ट्रेन से मिली 1000 गोलियां, बैग में मिले सीआरपीएफ के से जुड़े दस्तावेज। झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 20 लोग घायल, 1 बच्चे की मौत। हमीरपुर में किसानों के मनोरंजन के लिए अनूठी बैलगाड़ी रेस, जीतने वालों को मिला फ्रिज। कश्मीर की आयशा के नाम का अनूठा रिकॉर्ड, बनी देश की सबसे कम उम्र की पायलट। पुंछ में फिर खुले स्कूल, 1 साल बाद नई शुरुआत लेकिन बच्चों की मौजूदगी कम। देवघर में कोरोना काल के बाद सामान्य हो रहे हालात, विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा की इजाजत। ओडिशा में बना भारत का सबसे बड़ा भारत का नक्शा, 4 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल। महाराष्ट्र में सीनियर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा बयान, बोले शिवसेना दुश्मन नहीं। दिल्ली में जल बोर्ड में धांधली का आरोप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने निकाली पद यात्रा। जलौर में नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को निर्दलियों का मिला साथ, बन सकता है कांग्रेस का बोर्ड। नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की वजह से हो रही है तस्करी, सीमाई इलाकों में अवैध धंधा जोरों पर। श्रावस्ती में पीएम आवास सूची से नाम हटा तो युवक का अजीब विरोध प्रदर्शन, बीडीओ कार्यालय के सामने बजाए ढोल नगाड़े। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की अमित शाह से मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर, अनदेखी से खफा है वसुंधरा। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर में सीएम गहलोत के साथ 2 घंटे बातचीत। गहलोत और पायलट खेमों में एका कराने की कोशिश, सोनिया गांधी का संदेश लेकर गए हैं माकन। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर, सीएम केजरीवाल आज स्विच दिल्ली अभियान की करेंगे शुरुआत। भोपाल मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहा फर्जी शख्स पकड़ा गया, विश्व हिंदू परिषद ने की थी शिकायत। धनबाद में बीजेपी और जेएमएम समर्थकों के बीच खूनी जंग, कई राउंड चली गोलियां, 6 घायल।
आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सरकार को जातिवाद दी कहने के आपराधिक मामले में गैर हाजिर चल रहे थे संजय सिंह। यूपी के बदायूं में महिला को तेजाब पिलाने की कोशिश, विरोध कर चाकू मारकर गंभीर रूप से किया गया घायल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ 2 मौत, कोरोना के शुरुआती दिन के बाद मौत का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली में अब होम आइसोलेशन में 500 से कम मरीज, रिकवरी रेट 98.09%। बेंगलुरु में आज एयरो इंडिया शो का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे होगा शो का उद्घाटन, 5 फरवरी तक जारी रहेगा, सीडीएस विपिन रावत भी पहुंचे। एयरो शो में राफाल भी आएगा नजर, देसी लड़ाकू विमान तेजस पर दुनिया की निगाहें। चिनूक और अपाचे भी दिखाएगा करतब, पहली बार सूर्यकिरण और सारंग फॉर्मेशन एक साथ। शो में पहली बार बनाया जाएगा आत्मनिर्भर फॉर्मेशन, स्वदेशी तकनीक के जरिए दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी। वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद सड़क से हटेंगी 20 साल पुरानी गाड़ियां, सस्ते हो जाएंगे नए वाहन। जनवरी में देश में कारों की बिक्री में 17.7% की बढ़ोतरी, टॉप 10 में मारुति की 7 और हुंडई की 3 कारें। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप में दिल्ली हाईकोर्ट का दोनों कंपनियों से सवाल, पूछा क्या रिलायंस सौदे पर दोनों कंपनियां विवाद सुलझाने को तैयार हैं। जनवरी में शेयर बाजार और बॉन्ड्स में आया रिकॉर्ड, FDI $53.5 अरब का निवेश। SpaceX ने दुनिया का पहला सिविलियन एस्ट्रोनॉट मिशन किया लॉन्च, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX।